लोन्स एंड एडवांसेस के जो नोट्स हैं उनको टैग कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम इसके नोट्स पे जाएंगे। हमारे पास ये है अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स। अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स में हमारे पास ये एंट्रीज दी हुई हैं। इन एंट्रीज को हम इन सब हेड्स में सर्च करेंगे कि ये किस हेड में फॉल करती हैं। अगर ये किसी हेड में फॉल नहीं करती है तो हम ये एंट्री यहाँ पे अपना यहाँ पे करेंगे जो हमने यहाँ पे की हुई है। एज यू कैन सी हम यहाँ पे डिटेल्स देखेंगे तो हमारे पास ये सारे डिटेल्स आ जाएंगी। हम इसको सेव विद फुट नोट करेंगे तो हमारी ये बाइफर्केशन जो है अदर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस की वो यहाँ पे आ गई है। इसके बाद हमारी बैलेंस शीट में जो नेक्स्ट आइटम है वो है इन्वेंट्रीज, जो है हमारा करंट एसेट्स। तो हम अब करंट एसेट्स में जाएंगे, इन्वेंट्रीज पे जाएंगे। यहाँ पे इन्वेंट्रीज पे क्लिक करके हम इसको टैग करेंगे। अब हमें इन्वेंट्रीज के नोट्स पे जाना है क्योंकि इसके हमें नोट्स टैग करने हैं। नोट नंबर 11 शेयर स्टॉक्स, तो हम इन्वेंट्रीज पे यहाँ पे जाएंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्रीज को खोलेंगे। जो हमारा शेयर स्टॉक है ये हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, तो हम इन इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे टैग करेंगे। हमारे यहाँ पे इन्वेंट्रीज आप देख सकते हैं कि इन्वेंट्रीज के जो नोट्स हैं वो ग्रीन हो गया है। हमें यहाँ पे मोड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड यहाँ पे हमें एंटर करना है, हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना है, तो वो हम अपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं वहाँ पे हमें स्पेसिफाई होता है कि हमारा स्टॉक एंड जो ट्रेड है उसकी वैल्यूएशन का पॉलिसी क्या है। जैसे हमारे यहाँ पे इन्वेंट्रीज के जो अकाउंटिंग पॉलिसीज हैं उसमें इन्वेंट्रीज के हेड में लिखा हुआ है कि इन्वेंट्रीज ऑफ शेयर्स हैव बीन वैल्यूड एट कॉस्ट, तो हम वो यहाँ पे अपने जो है यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे। ये जो यहाँ पे हमारे मोड ऑफ वैल्यूएशन जहाँ पे हमें बताना है। हमें नोट सेव करना है। ये इन्वेंट्रीज जो है ये यहाँ पे ग्रीन हो गई है, मतलब हमारे जो बैलेंसेस है वो मैच कर गए हैं। हमारी बैलेंस शीट में जो हमारा नेक्स्ट आइटम है वो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो हम इसको यहाँ पे टैग करेंगे। इसके बाद में हम इसके नोट्स पे जाएंगे।
नोट नंबर 12 कैश एंड बैंक बैलेंसेस। अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कैश एंड कैश बैलेंसेस का बाइफर्केशन कैसे दिया हुआ है। तो हमारे पास है बैलेंस विद बैंक्स, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है बैलेंस विद बैंक्स, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो इन करंट अकाउंट्स यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास, तो हम यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे इसको टैग करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे करंट अकाउंट्स का ऑप्शन दिया हुआ है तो हम वहाँ पे टैग करेंगे, वरना हम यहाँ पे अदर बैलेंसेस विद बैंक में इसको टैग करेंगे। इसके बाद कैश ऑन हैंड हमारे पास दिया हुआ है, उसको हम यहाँ पे टैग करेंगे। तो हमारा ये कैश एंड बैंक बैलेंस नोट्स जो है वो ग्रीन हो गया है, और पेरेंट भी यहाँ पे ग्रीन हो गया है। इसके बाद हमारी बैलेंस शीट में जो नेक्स्ट आइटम दिया हुआ है दैट इज शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो वो हम यहाँ पे टैग करेंगे। हम इसके नोट्स पे जाएंगे। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के नोट्स पे हमें जाना है, दैट इज नोट नंबर 13। और हमें यहाँ पे इसको टैग करना है, तो हमें यहाँ पे दिया हुआ है अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स अनलेस अदरवाइज स्टेटेड। तो दीज आर अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स, तो हम यहाँ पे अनसिक्योर्ड कंसिडर्ड गुड्स पे क्लिक करेंगे। हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट आइटम है बैलेंस विद रिवेन्यू अथॉरिटीज, तो हम इन एंट्रीज को इनमें सर्च करेंगे कि ये किस एंट्री में या किस हेड में फॉल कर सकते हैं। हमारा जैसे पहले भी बताया कि हमारी फर्स्ट एंट्री है बैलेंस विद रिवेन्यू अथॉरिटीज, सेकंड है एडवांसेस, थर्ड है इनकम टैक्स एडवांसेस। तो इनकम टैक्स एडवांसेस को हम यहाँ पे एडवांस टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स पेड यहाँ पे फीड करेंगे। बैलेंसेस विद रिवेन्यू अथॉरिटीज को हम अदर एडवांस, हम यहाँ पे अदर टैक्सेस रिसीवेबल्स में फीड करेंगे। एडवांसेस को हम यहाँ पे अदर लोन्स एंड एडवांसेस में टैग करेंगे। अमाउंट रिकवरेबल इन कैश और काइंड को भी हम क्लेम्स रिकवरेबल में टैग कर सकते हैं। इट विल बी मोर, मतलब ये बिल्कुल सही होगा अगर हम इसको अदर्स में ही टैग करें, क्योंकि हम इसके बारे में श्योर नहीं है, अमाउंट रिकवरेबल इन कैश और काइंड के बारे में हम श्योर नहीं है कि हमारे क्लेम्स हैं या ये किसी और वजह से हमारे पास रिकवरेबल हैं, तो हम इनको अदर्स में ही टैग करेंगे और हम इसका फुटनोट डाल देंगे फॉर द रेफरेंस। ये हमारा बैलेंस शीट पूरी टैग हो गई है, बैलेंस शीट के नोट्स पूरे टैग हो गए हैं। अब हमारे लिए हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है, हाँ, या हमारा जो नेक्स्ट स्टेप जो हम कह सकते हैं वो होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैग करना।